Thank you.
चलिए चलिए भाई एक तरफ आ सर सर चलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हेमंत बिंदु शर्मा का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। हेमंत बिंदु शर्मा जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। हेमंत बिंदु शर्मा जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। हेमंत बिंदु शर्मा जी का स्वागत है। हेमंत बिंदु शर्मा जी का स्वागत है। हमारे बीच में असम के मुख्यमंत्री चुनावी दृष्टिकोण से झारखंड प्रदेश के सह प्रभारी माननीय हेमंत बिंदु शर्मा जी उपस्थित है। मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर अपना साथ ग्रहण करेंगे। हमारे बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व जनजातीय कल्याण मंत्री माननीय अजय मुंडा जी उपस्थित है। अनुरोध होगा कि वे भी अपने मंच पर अजय जी उपस्थित है। आपसे अनुरोध होगा कि आए और मंच पर अपना साथ ग्रहण करेंगे। सुधांशु अजय जी, हम सबों के बीच में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष हम सबों के बीच में कांग्रेस के पूर्व विधायक जिले के प्रभारी आदरणीय जीतू चंद्र राम जी उपस्थित है। आपसे अपना साल ग्रहण करेंगे। हम सबों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के पूर्व जिलाध्यक्ष वर्तमान में झारखंड प्रदेश के मंत्री आदरणीय लज्जी प्रसाद जी उपस्थित है। आपसे भी अनुरोध होगा कि आएंगे लज्जी प्रसाद जी और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मित्रों, आज की बैठक सर इधर सर थोड़ा सा इधर सर इधर सर बोल दिया ना लगाया जा सकता है कि माननीय हेमंत बिंदु शर्मा को बैठक को लेने आए हैं। बैठक में एक अपेक्षित कार्यकर्ताओं की श्रेणी आई थी। मुझे हम लोगों ने अनुरोध किया था कि जो श्रेणी के कार्यकर्ता वही रहेंगे। आप सभी से अनुरोध होगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और अब कार्यक्रम को चूंकि समय कम है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारे अतिथियों से कि दीप प्रज्वलित कर आज की बैठक का दिवस शुभारंभ करें। दीप
प्रदेश के सह प्रभारी माननीय हेमंत विश्व शर्मा जी का स्वागत करें उनका अभिनंदन करें। सर तो घूम के गाड़ियों के साथ आपके पीछे घूमने को एक स्मृति चिन्ह जिलाध्यक्ष जी के द्वारा माननीय हेमंत विश्व शर्मा जी को दिया जा रहा ताकि उनकी जो स्मृतियां हैं वो उनके मानस पटल पर सदैव टिकी रहे। मैं अनुरोध करूंगा जिला के उपाध्यक्ष संजीव सिन्हा एवं प्रदीप बेसरा जी से कि आप आए और हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री माननीय इसके पश्चात एक परंपरा रही बैठक के शुरुआत में हम लोग का गर्म भाव से तो आज करने में अनुरोध करूंगा जिला मुख्यमंत्री आए और वंदे मातरम की शुरुआत की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी का इस लौह नगरी की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन है। अपने बातों से आप सबों का मार्गदर्शन करें माननीय अध्यक्ष हुड्डा जी। डॉक्टर जीतू चरण राम जी मंच का संचालन कर रहे हैं। हमारे मोदी जी सभागार में उपस्थित आप सभी लड़का ने लड़की को कितने मतलब जबरन उसको लेके जाता है तो अभी तक क्या है उसका मतलब अभी सामने नहीं आया। ना लड़की का केस है ना बच्चों का केस है कुछ पता ही नहीं चला। तो देखिए हम लोग के ऊपर उतना मतलब अभी तक क्या सर जब धारा दिखेगा मेरे ऊपर उतना सर मतलब स्टूडेंट के ऊपर धारा लगाया नहीं कि मेरा लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा पढ़ के कुछ फायदा ही नहीं उतना सारे धारा लगाया है। देखिए सर आपसे यही गुहार रहेगा कि मतलब हम लोग को न्याय चाहिए जो दोषी है उसमें उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और यहाँ के जो DCSP है उसको यथाशीघ्र मतलब अभिलंब यहाँ से बर्खास्त किया जाए यही आपसे गुहार रहेगा सर। सजा दिया जाए और जितना यहाँ पर DC और SP है सबको प्रकाश किया जाए।